नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव का जो हुजूम है एक अपने आप में अलग वर्चस्व के साथ, हर तरफ का माहौल बहुत अनभिज्ञ सा कह लीजिए, मतलब एक अपने आप में अलग ही गर्माहट है। हालांकि हम इसको किसी निगेटिव वे में नहीं लेते हैं, लोगों में इतना हुजूम है अपने प्रत्याशियों के थ्रू, अपने प्रत्याशियों के लिए कि वो क्षेत्र में ये सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैसे ही अभी हम आ चुके हैं मोहनिया भागदू के एक भावी उम्मीदवार के पास। बिना किसी देरी के उनका परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मनोज जी। एक बार अपना जो है कि संक्षेप में परिचय दीजिए। मैं पहले रामपुर ब्लॉक के प्रमुख रह चुका हूँ। इसके पहले मेरी पत्नी उप चेयरमैन जिला परिषद कैमूर की थी। अभी मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष कैमूर का हूँ और अभी हम जो है अभी इस यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ मोहनिया भागदू से वर्तमान में। जी अच्छा, जैसे आपने बताया भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी तो आप तो मतलब बहुत टाइम से जो है कि एक राजनीति क्षेत्र से ही रिलेटेबल हैं, तो इस वक्त आपको जो है कि चुनाव में उतरने की क्या ऐसी अर्जेंटेंसी दिखी, आपको ज़रूरत दिखी कि नहीं हम जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए? और हम इस क्षेत्र में घूम कर देखें तो जो विकास होना चाहिए वो जिला परिषद क्षेत्र के लोग अभी विकास उतना बढ़िया नहीं कर पाए हैं। मेरा सोच है कि जो भी हम यहाँ से चुनाव, अगर यहाँ की जनता अगर हमें जीता कर भेजती है तो इस क्षेत्र का मैंने हर तरह का विकास करूँगा, शिक्षा से लेकर, रोड से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, सिंचाई, किसानों के बारे में, जो गरीब मजदूर हैं उनके बारे में, हर तरह का मैं व्यवस्था यहाँ करने के लिए इसी लक्ष्य में आया हूँ। जैसा कि आप बताएं हर क्षेत्र में आप विकास करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के वासियों के लिए, इससे पहले जो सिटिंग कैंडिडेट हुए होंगे जी, जाहिर सी बात है उनको लोगों ने चुन के लाया सीट पर, तो उन्होंने कुछ वादे किए होंगे, वो अलग बात है, क्षेत्र की जनता वो बताएगी वो पूरा हुआ नहीं हुआ। तो वो बात तो ये पहले भी सुन चुके हैं कि हम ये करेंगे, फला करेंगे, फला करेंगे, तो वो आप पे कैसे निष्ठापूर्वक एकदम विश्वास करें कि नहीं आप आएँ तो उनके लिए जो है कि मददगार साबित हुई हो? ये भी तो हो सकता है कि आप आएँ और उनकी तरह ही जो है कि हो सकता है कार्य पूरा ना करें। इसे हम और क्षेत्र में जहाँ भी प्रमुख रह चुके हैं, चाहे मेरी मैडम जो है उप चेयरमैन जिला परिषद रह चुके हैं, हम लोग हर तरह का वहाँ विकास किए हैं। आज भी हम लोग जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो हर जगह सोच अपना रख रहे हैं कि माने विकास हो। और जो गांव का विकास अभी जो रुका हुआ है इस जिला परिषद क्षेत्र में, हमको घूमने के दरमियान में आया कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसलिए अगर यहाँ की जनता हमें चुन कर लाती है तो हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम यहाँ पर काम करके दिखाएंगे। अच्छा, मतलब आप एक अपने फीडबैक के तहत जो कि जिन जिन क्षेत्रों से आप कार्यरत रहे वहाँ संपूर्ण कार्य किए, उसी के बदौलत यहाँ भी आप सत्ता में आके और वो सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, इसलिए आपकी क्षेत्र की जनता इस चीज़ के लिए आपको सराहे और चुने आपको। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जैसे आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे होंगे जी, तो जो भी जैसे कॉमन समस्या होता है हर क्षेत्र का, तो आपको सिटिंग कैंडिडेट की क्या वो कमियां लगी, उन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत मैं उभारे? कमियां तो यहाँ बहुत हैं, कुछ संक्षेप में जो है कि हमें कमी तो रोड वगैरह का जो स्थिति है बढ़िया नहीं है, शिक्षा उच्छा का भी जो बढ़िया व्यवस्था चाहिए उस तरह का व्यवस्था नहीं है, चाहे मतलब जो यहाँ के क्षेत्र के लोग माने चुनाव जीत कर गए फिर इसके बाद मतलब इस क्षेत्र के जनता का जो है वो लोग अपना सुध नहीं लिए कि आखिर जनता कैसे हैं क्या हैं। अच्छा, मतलब हाल चाल लेने के लिए क्षेत्र में नहीं नहीं है, है। बात सच है? सच है ये ना है, सच है। इसकी कहीं ना कहीं भूमिका है। जैसे एक जात पात बड़ा अभिशाप है हम लोगों के लिए, जो बिहार में चुनाव होता है, यूपी में चुनाव होता है, बड़ा बेस वोट होता है कि हम इस जाति के हैं तो हमको इस जाति का वोट और सपोर्ट बड़ा वर्चस्व के साथ मिलता है। तो आपके चुनाव में, आपके प्रचार प्रसार में, जनसंपर्क में जात पात की क्या भूमिका? देखिए, हम लोग तो ऐसे दल के सिपाही हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस जात पात से कोई नहीं, उनका सोच है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, माने उनका नारा है। उस दल से हम आते हैं तो जात पात पर हम लोग विश्वास नहीं करते, सभी लोग हमारे हैं, चाहे किसी जाति के लोग हैं, हम सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, जात पात से मैटर नहीं करता? कोई मैटर नहीं है, विकास मैटर करता है। जी, आप जैसे आपने बताया बहुत सारी कमियां हैं आपके क्षेत्र में, उन सारी चीज़ों को आप जो है कि सिलेक्ट होने के बाद दूर करना चाहते हैं, आपके अनुसार आपका क्षेत्र कैसा होना चाहिए? क्षेत्र तो हर तरह से अच्छा होना चाहिए, मान लीजिए बिजली का व्यवस्था अच्छा हो, रोड का अच्छा हो, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो। अभी हम आए थे यहाँ पे तो सिंचाई के लेकर के यहाँ नहर का पानी वगैरह नहीं मिल रहा था, सारे किसान परेशान थे, कुछ खाद के लेकर भी थोड़ा परेशानी बहुत ज़्यादा रहा, बहुत सी समस्या थी।
तो हम चाह रहे हैं कि सब समस्या को हम चुनाव जीत कर जाएंगे तो दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे यथासंभव। अपोजिटरों के लिए, कंपटीटरों के लिए कोई क्या जीत कर लिए? जैसे जो आपके विरोधी हैं या फिर आपको जो कंपटीट कर रहे हैं इस चुनाव में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ना, उनके लिए तो अपना बात रखेंगे जनता के बीच। हम अपना जनता जो हमारे मतदाता मालिक हैं, हम उनके उनसे अपना बात रखेंगे। अगर जनता जो मतदाता मालिक हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा कैंडिडेट हैं, अच्छा काम करेंगे, अगर भरोसा होगा तो हमको लोग वोट देकर जाएंगे। और उन लोगों का बात तो अपना बात रखेंगे। जैसे आप वर्तमान में भी जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पद से आप हालांकि एक अच्छे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं जी, तो आप इससे ऊपर भी की भी तो राजनीति सोच सकते थे कि हम इससे ऊपर जो है कि लड़के और चयनित होकर जा सकते हैं? नहीं, तो हम लोग यहाँ भी जो चुनाव अभी जिला परिषद सिर्फ लड़ने के लिए हम लोग नहीं आए, यहाँ से जिला परिषद जीत के हम लोग यहाँ से चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आगे की रणनीति है उसके तहत? यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जिला परिषद जीतने के बाद हम लोग चेयरमैन बन जाएंगे तो इस क्षेत्र का पूरा विकास होगा। इसके अलावा हम लोग जैसे मान लीजिए राज्यसभा सांसद का पैसा है, विधान परिषद का पैसा है, उस पैसा को भी हम लोग लाकर यहाँ मतलब विकास कराएंगे। इसलिए क्योंकि सिर्फ जिला परिषद क्षेत्र का पैसा से यहाँ विकास नहीं होने वाला, उतना फंडिंग नहीं। हाँ, इसलिए हम और क्षेत्रों से पैसा लाएंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मतलब किसी भी तरह किसी भी साधनों से बस आपका हमको विकास जी क्षेत्र का जी। किसी तरह का कोई भय डर? कोई डर भय नहीं, कोई डर भय नहीं है, निडरता के साथ जाएगी चुनाव। हाँ हाँ एकदम। जैसे आप जनसंपर्क कर रहे होंगे तो हाल चाल क्या मिल रहा है आपको क्षेत्र का? ठीक है, अच्छा है, स्वस्थ है? हाँ एकदम अच्छा है, जनता के आवाज़ पे ही हम लोग इधर आए हैं। अच्छा, डिमांड है। हाँ, चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। लास्ट में इनसे पूछते हैं, अपनी जनता जन से कुछ अपील करना चाहते हैं? आप जो भी अपील करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। हम तो जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप तो हमेशा 5 साल पे किसी न किसी को आप जिताते आए हैं, एक बार हमें भी मौका दिया जाए। ये तो आपके पास देखिए 5 साल में हर एक को चुनने का आपका अधिकार है जी। तो अगर दूसरे को बार बार अगर दो बार मौका दे चुके हैं आप, तो कम से कम इस नए लोग को इस बार लाइए और इस क्षेत्र का हम विकास करेंगे, यही मेरा वादा है अपने क्षेत्रवासियों से जी। चलिए, आपकी क्षेत्र की जनता भी इस चीज़ से आपको उम्मीद के साथ लाए कि आप उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए कार्य करें। इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इनके व्यक्तित्व के बारे में, कैसा नेता लगे आपको, अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं, उन सारी मुद्दों पे आप अपनी जरूर राय दें। मिलते हैं फिर किसी नए इंटरव्यू में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।